वेलकम टू फिशिंग क्लब यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त नसरुल्लाह। और कैसे क्या हाल है और बताइए फिशिंग कैसे हो रही है, क्या हाल है? हमारे यहाँ तो बहुत कम फिशिंग हो रही है क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है इधर। अभी सैटरडे संडे का एक प्रोग्राम बनाने का प्लान है कि बहुत सारे रिक्वेस्ट पे आ रहे थे सर फिशिंग कैसे करें, किस जगह पे करें और फिशिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ अपनाए। तो मैंने सोचा है आपके लिए एक वीडियो बनाऊं और बताऊं फ़िशिंग प्लेस कैसे रहना चाहिए और ग्राउंड बेट कैसे करना चाहिए, डीप कितना रहना चाहिए और कहां पर प्लेस कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। अच्छे से टिप्स दूंगा दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखिए। जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वीडियो एंडिंग तक देखिए क्योंकि अच्छे से ऐसे टिप्स दूंगा और अच्छे से ऐसे बेट बनाकर लाऊँगा इंशाल्लाह। देखिए दोस्तों, ये मेरे गांव से कम 65 किलोमीटर दूर है, एक डैम है छोटा सा। ऐसे मेरे दोस्त बोल रहे थे कि एक अच्छा सा डैम है, फिशिंग बहुत अच्छा हो रहा है, दूर दूर तक है। दोस्तों देखिए, उठकर दिखाऊंगा, बहुत दूर दूर तक डैम है, बहुत दूर तक पानी रुका है यहाँ। वहाँ पर सामने लोग फिशिंग के लिए भी बैठे हैं और मेरे दोस्त लोग भी आए हैं। ये सोचा एक प्लेस का आपको अच्छा सा एक टिप्स का वीडियो बनाऊं। देखिए वहाँ पर बैठे हैं, घूम रहे हैं, रॉड वगैरह डाले हैं, हैंडलाइन पे फिशिंग कर रहे हैं और उधर भी लोग हैं बैठे हैं, उधर बहुत सारे लोग। ये सोचा एक अच्छा सा वीडियो बनाऊं, एक चार पांच टिप जो मुझे समझ में आएगा, मैं जैसा फ़िशिंग करता हूँ उस टाइप का टिप्स आपको भी दूँ, ऐसा सोचकर एक वीडियो बना रहा हूँ। कुछ नहीं दोस्तों, अगर आप फ़िशिंग को जा रहे हैं तो आप पहले प्लेस ऐसा ढूँढना है कि वहाँ किसी की मगजमारी ना रहे, मतलब कोई आना आएगा जाएगा और बैठेगा बात करेगा, ऐसे प्लेस से अच्छा है कि कोई आना जाना ना रहे, तो एक अच्छा सा बैठने के लिए प्लेस रहे। और धूप से, अगर धूप ज़्यादा होगी तो बचने के लिए छांव रहे, तो ऐसा प्लेस ढूंढ के बैठेंगे तो अच्छा रहेंगे। देखिए जब पानी रुका हुआ होता है उस टाइम पे कम से कम आप 10 15 20 फीट 25 फीट डीप की जगह जाकर अगर एक से दो दिन अगर ग्राउंड बेट करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उस जगह आपको रिज़ल्ट अच्छा होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर प्लेस कैसा रहना चाहिए और क्या किधर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मच्छी है तो आपको कन्फर्म है वहाँ पर, तो जैसा मैं बताता हूँ ऐसा कीजिए, कम से कम दो दिन या सुबह 6 बजे या रात में 6 बजे। अगर सुबह 6 बजे डालेंगे तो रात में 6 से 7 बजे डालिए ग्राउंड बेट। कम से कम रात पर अगर डाल रहे हैं रात पे एक बार शाम में डालिए। अगर आप सैटरडे संडे फिशिंग के लिए जा रहे हैं तो दो दिन पहले कम से कम दो दो तीन तीन किलो ग्राउंड बेट। ग्राउंड बेट इस तरह करो कि ये मूँगफली की खल या सरसों की खल, इसको पाउडर मत कीजिए, पाउडर मत कीजिए, ऐसा ही जो बंधा होता है चकला खल का, उस खल में कम से कम 2 किलो खल के साथ 1 किलो ये डस्ट आता है ना चावल का कोंडा, वो मिलाइए। मतलब खल में पहले आप पानी डालिए, थोड़ा सा, ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए, ग्राइंड में ही करना, ऐसे ही बंधा हुआ चकला रहता है उस पर थोड़ा पानी डालिए। उसके बाद उसमें 1 किलो कोंडा डालिए, आप जो चावल का कोंडा आता है ना कोंडा डालिए, डालकर इंशाल्लाह आप उसको गोला बनाइए, 100 ग्राम का एक गोला, समझिए 3 किलो हो गया, 2 किलो खल 1 किलो सरसों की, 2 किलो सरसों की खल 1 किलो कोंडा, मतलब 3 किलो हो गया। तो आप सैटरडे संडे जा रहे हैं तो दो दिन पहले से एक ही प्लेस पे, जहाँ पर आप समझिए यहाँ से 15 फीट दूर या 20 फीट दूर या 25 फीट दूर फिशिंग करना चाहते हैं तो एक ही जगह पर सारी चराई गिरना चाहिए, उसको डाल दीजिए, उसको डालकर इंशाल्लाह जाइए, वो फ़िशिंग मत कीजिए वहाँ पर। जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़िशिंग, दो तीन ग्राउंड बेट करेंगे तो इंशाल्लाह तीसरे दिन सुबह, देखिए फ़िशिंग का टाइमिंग ये होता है कि सुबह 6 बजे से 6:30 बजे से 10-11 बजे तक फ़िशिंग का रिज़ल्ट अच्छा है। दोपहर में, मतलब दोपहर हो गई 12-1 बजे हो गए तो बहुत कम रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ग्राउंड बैठ करके सुबह बैठता हूँ और दोपहर में थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर शाम 4 बजे से 7 बजे तक बहुत अच्छा रिज़ल्ट है।
आप ग्राउंड बेड कीजिए, कम से कम अच्छा सा प्लेस ढूंढिए, काटी वगैरह ना हो और हुक डाले तो निकल कर सीधा आए, ऐसा कोई अच्छा सा प्लेस ढूंढिए। और जितना हो सकता है चराई कीजिए, ग्राउंड बेड कीजिए, इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। देखिए बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पर, शायद फिशिंग हो रहा है, यहाँ आ रहे हैं, एक से चार लोग आ गए, दो तीन लोग थे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और मेरे दोस्त वहाँ पर गाड़ी पे है, बैट ग्राउंड बैट रेडी तैयार कर रहे हैं, इरादा किए हैं कि सैटरडे संडे हम भी फिशिंग को आए फिश करें, क्योंकि अभी इस टाइम पर मैं भी वो लोग ग्राउंड बैट बना रहे थे, सोचा एक घंटा मैं भी फिशिंग के लिए बैठूँ थोड़ा। देखिए दो हैंड लाइन लेके आया था, एक रॉड लेके आया था बस, ब्रॉडकास्टिंग रॉड लेके आया था कि इधर शायद कोई हेड स्नेक हेड फिश रहे तो फिशिंग कर सकूं, मगर इस जगह पे स्नेक हेड फिशिंग का प्लेस कोई ऐसा नहीं मिला, इसलिए वो रॉड डालकर दो हैंड लाइन लेकर आया था। हैंड लाइन डालकर थोड़ा मसाला लेके आया था, चराई लेकर आया था, डालकर इंशाल्लाह बैठा हूँ, एक घंटा दो घंटा बैठूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि बगैर ग्राउंड बैठ के बगैर चराई के मछली मिलना मुश्किल है। दुआ कीजिए इंशाल्लाह, जो टिप्स मुझे पता थे, जो मालूम थी मुझे, मैं आपके लिए दिया हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे सारा दिन, सर कैसी जगह पे करना है, देखिए बहुत बढ़िया है, बहुत सारा पानी है, और ग्राउंड बैट करके फिशिंग करेंगे ना आप तो इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट भी अच्छा रहेगा। मेरा तो अभी तक ग्राउंड बैट करके जो फिशिंग किया हूँ, रिज़ल्ट अभी तक फ्लॉप नहीं हुआ है, फेल नहीं हुआ है, अच्छा रिज़ल्ट मिला है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, ग्राउंड बैट कीजिए इंशाल्लाह, एक से दो दिन फिशिंग कीजिए, करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत जगह पे ग्राउंड बैट से अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, तो आप भी ग्राउंड बैट कीजिए। और हुक हो सकता है तो थोड़ा स्ट्रांग डालिए, छोटा रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए, कम से कम 5 किलो 10 किलो की मछली लगना चाहिए हुक पे, आगे उतना हुक डालिए। और मैं इंशाल्लाह यहाँ का ग्राउंड बैट क्या किया क्या कर रहा हूँ, और हुक बैट कौन सा इस्तेमाल करता हूँ, फीडर बैट कौन सा इस्तेमाल किया था, और यहाँ का मछली का रिज़ल्ट क्या था, मैं आपके लिए बताऊँगा इंशाल्लाह। हमारा ग्राउंड बैट उधर करने का इरादा है, फिर भी इधर यहाँ थोड़ा छाँव थी और प्लेस भी अच्छा रहा, अच्छा था, इसलिए आकर बैठा हूँ, क्योंकि लोग सब उधर हैं, यहाँ आकर बैठा हूँ। इंशाल्लाह दुआ कीजिए, अच्छे से ऐसे ग्राउंड बैट लेकर आता हूँ और अच्छे से ऐसे हुक बैट लेकर आता हूँ इंशाल्लाह। अभी गर्मी शुरू हो रही है, इंशाल्लाह सोच कर रखा हूँ अच्छे से बैट इंशाल्लाह डालेंगे, फिशिंग करेंगे। और हाल कैसे है बताइए दोस्तों, इंशाल्लाह आज का आज और कल परसों दो तीन दिन ग्राउंड बैट करके जब संडे फिशिंग को आऊँगा तो इंशाल्लाह हो सकता है तो लाइव कर सकता हूँ, नहीं तो इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा। ग्राउंड बैट कीजिए, चराइए और सब्र रखिए, मछली पकड़ने के लिए सब्र रहना बहुत ज़्यादा है, सब्र रखिए इंशाल्लाह, कोशिश कीजिए। अच्छा दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़।